ओम शांति। आज की तारीख है 17/10/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं, यानी मेहरबानी करते हैं? उत्तर, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर यानी कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है कि मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात विचार कभी उल्टे नहीं हो सकते। प्रश्न दूसरा, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर है, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो, किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, ऐसा आराम पसंद भी नहीं बनना है जो डिससर्विस हो, बहुत बहुत निरहंकारी रहना है। अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। नंबर दो, धंधे दोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही न मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, शिव पिता परमात्मा का कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं जितना संगठन बड़ा होता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए न देखें, सुनते हुए न सुने, अपने स्वचिंतन में रहें। स्वचिंतन करने वाली आत्मा परदर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।